इस वाल्ट विटमिन की एनिमल्स जो है एक ऐसी कविता है जो बहुलता को एक वचन करती है। कवि जो है जानवरों की दुनिया के साथ अपनी एकता पाते हैं, उनका प्रेम और उनकी पशु भावना से निकटता का आधार है। अब कवि का संसार वह नहीं है जहाँ मनुष्य कराहते हैं, गुनगुनाते और व्यर्थ की बातें करते हैं। उनकी दुनिया वहाँ है जहाँ कोई नियम नहीं है, कोई रीति रिवाज नहीं है और यहाँ तक कि कोई पछतावा भी नहीं है। वर्तमान समय का सौंदर्य ही कवि को जीवित रखता है और इस कविता में जो है कवि खुशी खुशी मानव जाति के साथ अपनी निष्ठा तोड़ना चाहते हैं और जानवरों में सांत्वना पाना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग इस पोएम को और ही अच्छे समझते हैं। तो ये वॉल्ट विटमैन द्वारा लिखित एनिमल्स ये बताता है ये पोएम कि कैसे कवि जानवरों को मनुष्यों से श्रेष्ठ मानते हैं। वे अपनी बुद्धि के लिए पुरुषों से श्रेष्ठ नहीं हैं, बल्कि ये अपने स्वभाव के हिसाब से बेहतर होते हैं। इंसान जहाँ अपनी आधार भावनाओं के लिए वास्तविकता से भटक जाता है, वहीं जानवर शांत रहते हैं। उन्हें अपने जीवन में कोई पछतावा नहीं है। कोई भी जानवर की इज्जत नहीं करता, फिर भी वह अपनी ज़िंदगी से खुश है। कभी सोचते हैं कि हो सकता है कि उसने पिछले जन्म से जानवरों के साथ अपनी समानता के चिन्ह हो। अब तो ये जो कवि जो है ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जानवरों की कोई भी पछतावा नहीं होती है, ना कोई उसे अच्छा कहे या भला कहे या बुरा कहे, तो जानवरों की कोई पछतावा नहीं होती है, ठीक है, चाहे वो कोई पूछे या ना पूछे। तो कवि ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान जीवन में वह उन टोकन को जानवरों में देखते हैं। ये सभी बातें जो हैं उस जानवरों में ये कवि देखते हैं। तो एनिमल्स वाल्ट विटमैन द्वारा जानवरों और भाषा से बोले तो मनुष्य मानव पीड़ा भौतिकवाद धर्म और व्यक्तिवाद जैसे कई विषयों को शामिल इसमें किया गया है, कवि वाल्ट विटमैन ने शामिल किया है। तो सबसे पहले कवि जानवरों में बदलना चाहते हैं क्योंकि वे अपनी क्षमता के लिए नहीं बल्कि अपने स्वभाव के लिए इंसानों से बेहतर हैं। पशु वर्सेस मनुष्य के विषय को शामिल करके कवि मानव इच्छाओं की निरर्थकता को संदर्भित करते हैं। इसी वजह से वह जानवरों की पल पल की प्रकृति में शांति पाते हैं। इसके अलावा दो प्रकार के मानवीय कष्टों का संदर्भ है, एक जो शरीर को कष्ट देता है और दूसरा जो आत्मा को कष्ट देता है। तो दोस्तों अब हम लोग इस स्टेंजा का मतलब समझते हैं। तो आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो ब्लेस्ड एंड सेल्फ कंटेंट, आई स्टैंड लुक एट देम एंड लॉन्ग, दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, they do not lie awake in the dark and weep for their sins, they do not make me sick discussing their duty to God, not one is dissatisfied, not one is demented with the man of warning things। दोस्तों यहाँ पर इस स्टेंजा का मतलब होता है कि आई थिंक आई कुड टर्न, मेरे विचार से मैं मुझे लगता है कि मैं जानवरों के साथ रह सकता हूँ, क्योंकि वो जो होते हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं और आत्मा से संतुष्टि होती है उनको, उनको आत्मा से वो संतुष्टि होती है, यानी जितना उनको मिलता है उसी से वो खुश रहते हैं। तो मैं उनको काफ़ी देर तक देखता रहता हूँ, वे अपनी अवस्था की चिंता नहीं करते और शोर नहीं मचाते, वे अंधेरे में नहीं लेटे होते और अपने पापों पर पश्चाताप नहीं कर रहे होते, वे अपने भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में विवेचना करके मुझे व्याकुल नहीं करते, मुझे चिंतित नहीं करते, उनमें से कोई भी असंतुष्ट नहीं है और कोई भी चीज़ों को इकट्ठा करने की बीमारी से पागल नहीं है, नॉट वन इज डिसेटिस्फाइड, कोई असंतुष्ट नहीं है, नॉट वन इज डिमेंटेड विथ द मैन ऑफ ऑनिंग थिंग्स, और ना ही कोई जो है अपने कोई भी चीज़ों की इकट्ठा करने यानी कोई भी चीज़ों को पाने के लिए जो है वो मेड नहीं है, पागल नहीं है, ठीक है, यानी उनको जितना भी चीज़ जो भी मिलता है उससे भी वो संतुष्ट रहते हैं। यानी जानवर जो उनको जितना चीज़ें मिलती है वो संतुष्ट लगती हैं रहती हैं, लेकिन मानव की अगर वहीं पर बात करें, मानव को जितना मिले उतना ही उसके लिए कम हो गया है आज के युग में, ठीक है। तो ये जो वॉल्ट विटमैन जो पोएट हैं तो ये बताते हैं कि जो यानी ये एनिमल्स के बारे में नहीं लिख रहे, एनिमल्स वर्सेस मनुष्य के बारे में है, यानी मनुष्य और एनिमल्स के बीच में क्या क्या असमानताएं होती है, समानताएं होती है, क्या क्या क्वालिटी डिसक्वालिटी होती है, वो सब इसमें बताते हैं कि उनके मन के बारे में भी पोएट जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे एक जानवर जो है उनको जो भी चीज़ मिलता है वो संतुष्ट होते हैं, लेकिन मनुष्य जो है वो संतुष्ट नहीं रहता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नोट वन नील्स टू अनदर नोर
टू हिज काइंड दैट आई लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ एंड इवन देम प्लेंटी इन द पोजिशन I wonder where I get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? तो दोस्तों यहाँ पर इस एक्सचेंज का मतलब होता है कि उनमें से कोई भी एक दूसरे के सामने घुटने नहीं टेकते हैं और ना ही उसकी उनकी जो अपनी जाति के सामने जो हजारों साल पहले रहा करते थे अर्थात अब जानवरों का कोई अस्तित्व नहीं है उनमें से कोई भी पूरी पृथ्वी का सम्मान नहीं करता और ना ही उसके बारे में नाखुश है इसलिए वे अपने नाता मुझसे दिखाते हैं और मैं उनको स्वीकार करता हूँ वे मुझे मेरी पहचान कराते हैं वे उन पहचानों को खुद भी अपने पास रखते हैं अर्थात बोले तो आदमी का जानवर से गहरा नाता है दोनों में एक समान गुण भी दिखते हैं लेकिन मैं हैरान हूँ कि उन्हें वे अपने पहचान कहाँ से मिली क्या मैं एक लंबे समय उनके रास्ते से गुजर रहा था और अनजाने में उनको वहाँ गिरा दिया था जहाँ जानवरों को वो मिल गए अर्थात बोले तो आदमी भी कभी जानवर रहा था ठीक है।